अब हम देखते हैं कि इसमें अरे किस तरह डिक्लेयर की जाती है। अरे होती क्या है, ये आपकी जो है कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है और ऑफ होमोजीनियस डाटा आइटम्स। तो इसमें अरे हम इस तरह डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल जो भी आप उसका नाम लें इज़ इक्वल्स टू, आप यहाँ पे वो अरे को इनिशियलाइज करवा दें। तो मैं ये कहता हूँ जी 5 4 दिस दिस दिस, तो ये आपकी अरे डिक्लेयर हो चुकी है विद दीज एलिमेंट। और इसको अब आप जो है किसी भी एलिमेंट को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये आपको आईडिया होना चाहिए अरे सब 0, तो ये आपकी 0 वाली वैल्यू अरे की प्रिंट कर देगा। ये 5 है उसकी वैल्यू। इसी तरह आप इसको 1 प्रिंट करना चाहेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू है। और अगर आपने अरे के अंदर कोई एलिमेंट फर्दर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ जी ये है आपकी अरे एम्प्टी, मैंने अरे डिक्लेयर की और अब मैं कहता हूँ जी अरे सब 0 तो इज़ इक्वल्स टू 90 प्रिंट कर दें, तो ये आपका 0 पे 90 आ जाएगी। अब आप जितनी मर्ज़ी इस अरे को बढ़ाते जाएंगे, जितने मर्ज़ी आप इसमें ऐड करते जाएंगे। ये नॉर्मल वे है अरे को डिक्लेयर करने का। और इसी तरह अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं वो आपको लूप का आइडिया है ही। हम लिखते हैं जी फॉर वेरिएबल आई इज़ इक्वल्स टू 0 आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, अरे की लेंथ तक ये लूप चलेगा आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस। और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूँगा अरे सब आई, और उसके बाद मैं इसको बी आर के साथ ब्रेक करूँगा, देन आई कैन प्रिंट ऑल एलिमेंट ऑफ द अरे। और दूसरा वे है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप इसको इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं, फॉर कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे ले लें जिसका आप नाम लेंगे एक्स इन अरे, तो अरे क्या है एक्स के अंदर अपनी वैल्यू सेव कर देगा और आप एक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपको एक्स के अंदर आपको इंडेक्स देगा, तो आप अरे सब एक्स करेंगे, वो आपको कीज़ दे रहा है और तो अब आप लिखेंगे अरे सब एक्स, तो ये आपको वही वाली वैल्यू प्रिंट करके रिटर्न कर रहा है। तो ये आपका दूसरा वे है इसका अरे को प्रिंट करने का। और इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव अरे भी होती हैं। एसोसिएटिव अरे ये होती है कि आपको अरे के इंडेक्स की बजाय आप अरे के कोई नाम देना चाहते हैं उस इंडेक्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ वेरिएबल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू दिस वन, और मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट्स सब, ये इसका इंडेक्स का नेम है, इज इक्वल्स टू उसके मार्क्स है फॉर एग्ज़ाम्पल 90 स्टूडेंट्स सब आमिर इज इक्वल्स टू 87 स्टूडेंट्स सब साजिद इज इक्वल्स टू 76। एंड अब मैं इसको इसी तरह आइट्रेट करवा सकता हूँ और ये वाली आपकी अरे, ठीक है, तो ये आपकी एसोसिएटिव अरे है। तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट ऐसे करवा सकता हूँ, यहाँ पे अरे में अगर मैं लिखूँगा जी मार्क्स ऑफ, आपको पता है की इसके अंदर एक्स के अंदर सेव होगी, तो ये मार्क्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस वन स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड, ये चीज़ ये गलती खा गया मेरे पास, ये इसका स्पेलिंग। सो ये अब ये इसको इन स्टूडेंट्स, ठीक है जी एसटीडी चले कर देते इसको। तो अगर आप एसटीडी नॉर्मल प्रिंट करेंगे तो वो क्या होगा उसका इंडेक्स का नाम, जो कि हमारे पास स्टूडेंट का नाम हमने लिखा हुआ है। और फिर अगर आप इसको स्टूडेंट्स सब एसटीडी करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। तो ये चीज़ आप देखें मार्क्स ऑफ अली 90, मार्क्स ऑफ आमिर 87, मार्क्स ऑफ साजिद 76। सो ये एसोसिएटिव अरे होती है जिनको आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जिसके ज़रिए आप उसका इंडेक्स जो है वो आप होल्ड कर सकते हैं। सो ये आपकी अरेज है। तो यहाँ तक हमारे पास जो बेसिक किसी भी लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं
वो हमारे पास कवर हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, और उसके बाद फिर हम जो जावास्क्रिप्ट का असल पर्पज़ है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो हम देखेंगे वो किस तरह काम करता है और हमारे पास क्लाइंट एंड पे क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। सो लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।